बच्चे, गुड आफ्टरनून, हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को। तो आज जो डिस्कस हम करेंगे उसमें क्या है, देखिएगा आज 2019 का पेपर एनालिसिस होगा। ये पहले था कि हमारे पास 20 का था, अब हम 19 पे करेंगे। तो ऐसे तो होता बहुत बड़ा पेपर, आपको भी पता है। तो अगर आज आधा हो गया तो अगले संडे में हम पूरा करेंगे उसको, ठीक है। तो यही है हमारे पास, यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है और यहीं से हम लोग चीज़ें करते हैं। अगर क्लास चालू हो गया तो एक लिंक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, फटाफट लिंक शेयर कर दीजिएगा। तो अभी तो लिंक शेयर तो किया नहीं आप लोगों ने, लगता है वो बच्चे आए नहीं जो लिंक शेयर करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग 2019 CSAT के पेपर को डिस्कस करना चालू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमारा जानना क्या है, 2019 में जो पेपर का पैटर्न था वो कैसा था, और पेपर जो हमारे पास आए उसमें हर तरह की चीज़ों की, मतलब क्या बोल सकते हो, हमारा यूज़ हुआ था। पेपर मैं हमेशा कहता हूँ कि पेपर एनालिटिकल वे में पूछे जाते हैं। पेपर ऐसा नहीं कि आपका पेपर बहुत आसान होगा, नहीं बहुत टफ होगा, ऐसे दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जो चीज़ होगा वो एनालिटिकल तरीका होगा, और हर क्वेश्चन को पूछने का आप तरीका देखिएगा। मैंने एक सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ, दीज आर ए पार्ट ऑफ स्टोरी, स्टोरी टाइप का समझा बना लेते हैं लोग। स्टोरी बनाने के बाद क्या होता है, ये चीज़ें यहाँ शुरू होती है। तो स्टोरी बन जाता है ना, तो ये यहाँ पे शुरू होता है। अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, एक बार मैं देखता हूँ लिंक का कुछ कहते हैं, बिना लिंक के किए कुछ होगा नहीं। क्लास चालू हुआ कि नहीं पता नहीं चलता ना, सबसे बड़ी बात है। 120 हो गया, मैं गूगल पे करूँगी। ओ, मेरे पास तो सिर्फ यही है। हिमांशु, अब हाँ एक बार लिंक शेयर कर दो यार, लिंक को शेयर कर दो यार, तुमको आता लिंक शेयर है? बबली और गुड आफ्टरनून, ठीक है। और कौन लोग हैं, पांच लोग में कौन कौन है? पांच लोग, दो ही लोग दिख रहे हैं, पांच बाकी लोग कहाँ गए? बाकी लोग कहाँ गए, दिख नहीं रहे बाकी लोग। बाकी लोग कहाँ गए भाई? हिमांशु, संदीप, संदीप कुमार, हैप्पी टीचर, थैंक यू, थैंक यू हैप्पी संदीप कुमार। बाकी लोग कहाँ गए? चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे आ जाते हैं। द एज ऑफ थ्री बॉयज इज 15 ईयर्स, देयर एजेस इन द रेशियो 3:5:7, फाइंड द एज ऑफ द ओल्डेस्ट बॉय। 3, 5, 7 एवरेज इन जनरल बीच के नंबर को बोला जाता है। तो बीच का नंबर क्या हो गया? 15। शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको, अगर 5, 15 बनने के लिए 5 का 3 गुना करना पड़ा, सबसे ओल्डेस्ट क्या है? 7 है, 7 का 3 गुना करने पे क्या आएगा? 21 हो गया, खत्म बात। ठीक है क्लास, समझ में आ गया? थंब लगाए, फटाफट थंब लगाएंगे। कुसुम गुप्ता, हैप्पी टीचर, थैंक यू। सचिन, गुड आफ्टरनून, ठीक है। हिमांशु, ग्रुप का नाम लिख दो एक बार, जो जो नए नए ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, सचिन एजुकेशन 02, ठीक है। बाकी लोग भी अपना कर ले। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में।
पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए ओमन सेज ही इज द फादर ऑफ माई डॉटर इन लॉज ब्रदर इन लॉ. पॉइंटिंग टू ए ओमैन इन द फोटोग्राफ ए ओमन सेज, एक महिला कहती है, ही इज द फादर ऑफ माई डॉटर इन लॉज ब्रदर इन लॉ. ठीक है, यू है डॉटर इन लॉ का ब्रदर इन लॉ. हाउ इज द मैन रिलेटेड टू ओमैन? डॉटर इन लॉ कौन होता है? डॉटर इन लॉ होता है बहू. बहू का अब ब्रदर इन लॉ कौन कौन हो गया? देवर भी हो सकता है. बहू का देवर मतलब तो उसका मतलब उसका पति की बात ही वो कर रहा है. आंसर क्या आएगा? हस्बैंड इज द करेक्ट आंसर. हस्बैंड इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, फिर अविनाश. हेलो अविनाश. दीपांशी हेलो. ठीक है, एक बार ग्रुप का नाम लिख दो. दीमांशु. ए पर्सन कवरेड 24 डिस्टेंस ऑफ 24 मिनट इफ यू रन एट द स्पीड ऑफ 27 एवरेज फाइंड द स्पीड मस्ट बी रन टू टाइम एन 18 मिनट. ध्यान समझना इस कंसेप्ट को. एक आदमी, आप लोग शेयर कर दो क्लास को ना, एक बार शेयर कर दो, सब लोग शेयर कर दो, इसको आने का मन आएगा ना. ठीक है, शेयर कर दो. लाइक बढ़ाइए, लाइक यही लाइक है, चाहे लाइक बढ़ाइए, लाइक को बढ़ाइए. चलो एक बार शेयर करो, लाइक बढ़ाइए भाई, लाइक कम है. ग्रुप का नाम लिख दिया. गलत नाम है हिमांशु, गलत नाम है ग्रुप का. ठीक करो. ए पर्सन कवर ए डिस्टेंस 24 मिनट इफ ही रन एट द स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर अपन ऑन एवरेज. ठीक है, चलो फाइंड द स्पीड. ठीक है, अच्छा 18 मिनट में पहुंच पाएगा. अब सबसे पहले इसके लिए हमको चाहिए डिस्टेंस. डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम. स्पीड 27 है और 24 बाई क्या कर लो, 60 कर लो. 60 क्यों किया मैंने? स्पीड इनटू टाइम, ये मिनट में आवर में कन्वर्ट करने के लिए किया. अब चाहो तो कोड़ा काट लो, या ना काट ना चाहो तो ना भी काटो, तुम्हारी मर्जी है. मैंने कहा 6 से काटने पे 4 आएगा, 12 से काटो नहीं, 24 बार 5 60, 27 इंटू 54 बटा 5 आएगा. छोड़ दो इसको ऐसे ही, कट पॉइंट में नहीं करना. ये हो गया डिस्टेंस. आपका स्पीड पूछा है और टाइम 18/60 दिया हुआ है. ये है, ये आएगा 12, हमारे 6 से काटने पे 3, ये आएगा 2, ये आएगा 18. स्पीड बराबर 18 इंटू 2 कितना आएगा? 36 किलोमीटर पर आवर. आराम से देख लीजिए, अगर क्लियर हो गया तो थम लगाएं, और हम नहीं तो हमारे पास क्या कर सकते हैं, नहीं अगर नहीं तो डाउट पे रिपीट लिख सकते हैं आप. ठीक है जी, सब हैप्पी टीचर्स डे. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. थोड़ा शेयर करो, लाइक भी नहीं करो. लाइक बहुत कम दिख रहा है, 6 लाइक दिख रहा है मुझे, अपने साथ 7 दिखा. लाइक बहुत कम दिख रहा है भाई साहब. एक सौ साठ स्पीड इंटू टाइम. अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं, 200 मीटर लंबी ट्रेन जो है स्पीड इतने में चल रहा है, 272/5/18 टाइम. टाइम कट के कितना आ गया? 4, ये भी 10 आ गया. व्हाट टाइम विल पास ए प्लेटफॉर्म 150/20 किलोमीटर. अच्छा, इसमें क्या होगा, ये 200 भी ऐड हो जाएगा. ठीक है, ये 200 भी ऐड हो जाएगा और स्पीड ये बाकी सब जैसे ही है. 360 हो गया और हमारे पास 160 कितना टाइम लगेगा, व्हाट टाइम ए प्लेटफॉर्म 160. अब हमारे पास
टाइम स्पीड तो हमको लेना पड़ेगा, एक बार स्पीड वाला इस बताओ क्या आएगा, स्पीड निकालना है। पर स्पीड हमारे पास 72 दिया हुआ है, 5/18 इंटू टाइम हमारे पास निकालना है। ये आएगा 4, ये आएगा 20 टी, ये आएगा 18 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। अगर क्लियर हो गया तो कृपया थम लगाए, और नहीं तो आगे बढ़ने दें। अभी तक लाइक नहीं बढ़ा, लाइक 7 दिख रहा है मुझे, लाइक कितना नहीं कर रहा है तुम लोगों? थैंक यू हैप्पी टीचर, थैंक यू हिमांशु। मैंने क्या किया देखो, पहले मैंने टाइम निकाला, फिर जब वो किसी ट्रेन वाले चैप्टर में देख रहे, मैंने क्या कराया था, जब वो किसी स्पीड कोई लंबी चीज़ को क्रॉस करता है तो उसकी खुद की लंबाई और उस लंबी चीज़ की लंबाई जुड़ जाती है। मैंने यहाँ पे वही कार्रवाई किया, 200 + 160। और 5/18 क्यों कर रहा हूँ, सबको पता है 5/18 करने के पीछे लॉजिक क्या मेरा है। उन्नीस स्लाइड का दिख रहा है मुझे, जल्दी करो भैया। अगला क्वेश्चन आपको दिया, ट्राई करिए क्या रहा है। बिल्कुल ऑपोजिट नहीं यार, यू प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है ना, ट्रेन को थोड़ी क्रॉस कर रहा है। ट्रेन को कैसे भी क्रॉस करो, ट्रेन ट्रेन वही चीज खड़ी हुई चीज को अगर क्रॉस कर रहा है उससे कैसे फर्क पड़ता है। चलो अगला क्वेश्चन। डायरेक्शन फॉलो टू आइटम, टू स्टेटमेंट हैव बीन फॉलोड बाय दिस स्टेप। ठीक है, स्टेटमेंट ऑल डॉक्टर आर एजुकेटेड, ऑल इंजीनियर आर एजुकेटेड। ऑल ऑल मतलब ये अंदर जाएगा, डॉक्टर आर एजुकेटेड, ऑल इंजीनियर आर एजुकेटर। और इंजीनियर आप एजुकेटर के अंदर हम ऐसे भी बैठा सकते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर एडुकेटर। अब क्या आएगा, कोई ऐसे भी कर सकता है, डॉक्टर एजुकेटर इंजीनियर एडुकेटर। मोस्ट डॉक्टर आर इंजीनियर। अब देखो जो भी कंडीशन होगा, मैंने क्या सिखाया, हमेशा सबको कर, जितने फिगर बनते हैं सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। मोस्ट डॉक्टर इंजीनियर ये तो नहीं है सर, ऐसा नहीं कर सकते हम ना, सारे को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर जो होगा वो एक ही केस होगा, ये इंजीनियर ये डॉक्टर, ये क्या हो गया एडुकेटर, ये भी केस हो सकता है। लेकिन ये जो कंडीशन बोला है, एक को सेटिस्फाई कर रहा है बाकी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हम ऑप्शन डी लगाएंगे जिसमें नाइदर वन है नॉर टू, किसी में भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
आराम से देखिएगा, ऑल चिल्ड्रन आर किड्स, ऑल चिल्ड्रेन आर नॉटी, चिल्ड्रेन अंदर होगा, किड्स यहाँ होगा, ऑल चिल्ड्रेन आर नॉटी, ऑल चिल्ड्रेन आर नॉटी, ये हमारे पास ये भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है, ऐसा हो गया चिल्ड्रेन किड्स नॉटी बाहर कर दे, वो नॉटी अंदर कर, तमाम चीज़ें हो सकती है। इसने बोला ऑल किड्स आर नॉटी, ऑल किड्स आर नॉटी, ना जरूरी नहीं है, ऑल नॉटी आर किड्स, ना ये भी जरूरी नहीं है। तो जब कोई भी जरूरत नहीं तो हमारे पास होगा यहाँ भी नाइदर वन नाइदर टू, क्योंकि देखो जो इसका नियम सिंपल ये होता है कि स्टेटमेंट के थ्रू आपने जितने फिगर बना सकते हो और भी फिगर हो सकता है, जो कंक्लूजन है उन सारे फिगर्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर सारे नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन, आराम से करिए, लाइक नहीं बढ़ा रहे आप लोग, लाइक तो नहीं बढ़ा हुआ है, देखो भाई लाइक नहीं बढ़ रहा है। आंसर नहीं आ रहा है, देखो ए मैन जो है प्लेस हमारा ए से बी जाता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा से, और हमारे पास ए फ्रॉम बी ए मैन एंड रिटर्न वही हमारे 50 पे आता है। एवरेज के लिए बहुत सिंपल सा चीज़ होता है, एवरेज के लिए एक ही कॉन्सेप्ट होता है दुनिया में, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आप एक काम करो, आप यहाँ पे 75 ले लो, यहाँ पे 60 ले लो, 75 और 60 का एलसीएम मेरे हिसाब से शायद 300 होगा, 150 नहीं, 150 तो नहीं हो सकता, 150 होगा नहीं, 150 तो नहीं होगा, 300 ही होगा, ये होगा 4, ये होगा मेरे हिसाब से 5। तो एवरेज क्या होगा, टोटल डिस्टेंस मतलब 300 गया 300 आया, और टोटल टाइम कितना हो गया, 4 और 5 9 हो गया, ठीक 4 5 हो गया 75, अच्छा सॉरी 50 है, मैं इसको गलत ले लिया इसको, अगर 50 लेंगे तो हम 60 टेरी करते, सॉरी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 75 है, यहाँ 50 है, ये 150 किलो, ये 2 वो होगा, ये क्या होगा 3 होगा, तो 2 × 150 होगा, और ये 5 होगा, 5 क्यों, कंसेप्ट एक ही मैंने बहुत पढ़ाया था, एवरेज स्पीड अगर पढ़ना है तो आप टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला चैप्टर पकड़िए, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, प्ले स्टोर जाइए, UPSC 101 चिलारन के प्ले स्टोर में जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन सारे शॉर्टकट्स मैंने पढ़ाए हुए हैं। आप हमारे चैनल में नए हो, आप सबका स्वागत है, इन क्लास को पूरा करिए, आधा करेंगे तो कोई फायदा नहीं, ओरिजिनल पेपर कवर आपको कर रहा हूँ, अगर आपको भरोसा नहीं मेरी बातों पे आप गूगल में जाके सर्च कर लीजिए, 2019 CSAT का ओरिजिनल पेपर है, बाकी मर्जी आपकी है, अगर क्लियर हो गया तो थम लगाएंगे, नहीं तो रिपीट लिखेंगे, फटाफट करिए।
ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। ए बैग कंटेन 2 रुपीज और 1 रुपीज। ये 50 2 रुपए के से सिक्कों से अगर 50 रुपया बना है, सिक्के कितने होंगे? 25। कौन सा ऑप्शन है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अनुज इज टॉलर देन रोहिणी एंड शॉर्टर देन मंजू। अनुज इज टॉलर देन शॉर्टर अनुज इज टॉलर देन मंजू बट शॉर्टर अनुज इज टॉलर देन रोहिणी, ठीक है, शॉर्टर देन मंजू, ठीक है, एंड रोहिणी इज टॉल एज सरयू बट टॉलर देन शुभांगी। शुभांगी से हमारे पास बड़े, देन सरयू इज, सरयू कौन है? मैंने सरयू हमारे पास क्या आएगा आपको ये बताना है। अब सरयू के बारे में आप बताना आपके लिए मुश्किल ही है। कैसे? सरयू जो है हमारे पास अनुज से छोटा है, शॉर्टर देन शुभांगी ना, ये नहीं है टॉलर देन अनुज ना, ये भी नहीं है टॉलर देन मंजू ना, ये भी नहीं हो सकता, तो नन ऑफ दिस ही होगा क्योंकि बाकी तीनों जो है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। ये हमारे पास नन ऑफ दिस इसका भी लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी कम द नेक्स्ट प्लेस? सोच के समझ के जवाब दीजिएगा। व्हाट शुड बी कम इन द नेक्स्ट प्लेस? ठीक है, मैं करता हूँ। 12 है 12 है 18, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे? 12 × 12 एक 12 आ गया, 12 × 1.5 करेंगे तो 18 आएगा, 18 × 2.5 करेंगे तब 45 आएगा। जानते हो क्या रहा है? नॉर्मली लोग ये सोच रहे हैं कि 1 है, 0.5 बड़ा,
पॉइंट फाइव अगर अगेल मरता तो दो होता, 2.5 नहीं होता। इसका मतलब है प्रीवियस के दोनों को ऐड करके आ रहा है तीसरा वाला, इन दोनों को ऐड किया ये आया। अब अगला क्या आएगा, अगला आएगा 145 इंटू क्या करूँ, ढाई और डेढ़, ढाई और डेढ़ कितना होता है चार, ऐड करेंगे 180। यही पैटर्न चल रहा है, पैटर्न पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो 45 इंटू चार किया पक्का, उसके बाद 45 इंटू चार करने के बाद 180 तक पहुंच गए। 180 इंटू क्या करेंगे चार और दो कितना हो गया साढ़े छः, साढ़े छः करेंगे और साढ़े छः और ये कितना आएगा चार दस, तो 1080 इंटू 10.5 सॉल्व करेंगे 9180 आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम इससे भाग नहीं सकते। कुछ लोग भाग जाते हैं क्लास छोड़ के, उनको आदत बन चुकी है कि क्लास छोड़ के भागेंगे और भागेंगे, तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू थैंक यू। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे दिया, फटाफट करो। तीन का क्यूब, पांच का क्यूब, सात का क्यूब, 3 5 7 11 13, 13 का क्या क्यूब क्या होता है 11 है 13 है 2197 करेक्ट। एक से 1000 तक, एक से 1000 तक पूर्णांकों को लिखते समय कितनी बार लिखनी लिखा जाए, सोच के समझ के जवाब दीजिएगा। कुछ मैंने इसका ट्रिक बताया था, कौन कर पाएगा था वो देखता हूँ मैं, तो मैं इसके बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी क्लास में।
नहीं आंसर दे रहा है, सब लोग ऐसे ही बैठे हुए हवा कर रहे हैं, किसी का आंसर नहीं दिख रहा है यार। मैंने कुछ बताया भी था ट्रिक, बताया था तुम लोग, आंसर नहीं दिख रहा है। गिन भी सकते हो क्या बताया था, 1 से 1000। पहले हमारे पास 5 कितनी बार है, 1 से 9 में देख लो कितनी बार आएगा, 10 से 100 के बीच देख लो। ट्रिक ये था कि जैसे 1 से 1000 तक था, याद करो मैंने क्या बताया था, 1000 को लिखोगे 10 का क्यूब, और हमेशा 3 × 10, ये 3 है ना, 3 − 1 लिखोगे, 3 × 10 का स्क्वायर हो गया 300। कौन सा ऑप्शन है ये, इसे नॉट ओनली फॉर 5, फॉर ऑल नंबर्स, ये मैं बता चुका हूँ क्लास में, जो भी हजार के लिए हमारे पास होगा हम इस तरह कार्रवाई करेंगे। ये कहाँ वैलिड है, 1 से 10, 1 से 100, 1 से 1000, सबके लिए रूल वैलिड करता है, ये याद रखिएगा हमेशा। याद आया नहीं आया था, भूल गए रूल को, कुछ बताया था नहीं बताया था, लोगों का जोश नहीं दिख रहा है मुझे, एकदम ठंडा हो गया। चलो क्या लिख, इस तरह लग रहा है यार, क्या कर रहे हो, बताया था शेलू पावर में होगा कि नीचे होगा एन, क्या बताया था मैंने क्लास में, एक से सौ तक नए बच्चे ख्याल रखेंगे, 10 का स्क्वायर हुआ, ये 2 आया, ये 2 ही आगे आता है और 2 पावर में कम होता है, 2 × 10 कितना आता है 20, 1 से 100 तक की बीच भी हम एक कितने नंबर आएंगे, 20 नंबर आएंगे, किसके, 5 हो 6 हो कुछ भी हो। दादा याद आ गया कुमारी मनु, याद है, बता चुका हूँ मैं सब इसके बारे में, याद आने में इतना टाइम क्यों लगता है। ये वाला करो, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था क्लास में, बाकी लोग तो लग रहा है आराम ही कर रहे हैं, बोले क्या आ जाए क्लास करने, चलो आराम किया जाए। ये सब 2016 था ना, ये सब मैं 2019 वाला पेपर है ना, 2019 वाला पेपर में आज सारा क्वेश्चन कराएंगे, आप पहले किए हो नहीं किए उससे मतलब नहीं है, आपको याद होना चाहिए चीज़ें कैसे हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दूसरा आ गया तो क्या कर लोगे। जैसे 60% भारी क्वेश्चन क्या है, देखो ये एक ब्लॉक है, एक अलग ब्लॉक है, ये 100 है ठीक है हमारे पास, तो हमारे पास जब ये ब्लॉक इसके ऊपर ये ए है ये बी है, कुछ देर बाद क्या ए के ऊपर ये बी आ जाता है, तो अगर ये 100 था पुराना, अब इसका कितना होगा 160 होगा, मैंने 60% बढ़ गया। अब कह रहा है दोबारा बोल रहा है कि अब ए को हटा दो, तो जो ये पूरा था 160 उससे कितना प्रतिशत कम हो जाएगा ये पूछ रहा है कुछ, इसके लिए इतना तामझाम कर नहीं करना है, 60% ब्रेक करो 3/5, ये कुछ वही बात होगी, ऐसा भी मैंने कराया हुआ क्लास में कि मैं आपसे बड़ा 10% बड़ा हूँ, आप मुझसे छोटे कितने हैं, पेट्रोल का दाम 20% बढ़ गया, कितना पेट्रोल कम यूज़ करेगी बजट मेंटेन हो, समोसे का दाम 40% बढ़ गया, कितना समोसा कम खाए बजट मेंटेन हो, मेरी सैलरी आपसे 25% ज़्यादा है आपकी कितनी परसेंट कम होगी, या मेरी कम है तो आपकी कितनी परसेंट ज़्यादा होगी। इस तरह के रिलेटेड की दुनिया में जितने क्वेश्चंस बनते हैं सबका एक ही जवाब है, पहले उसको ब्रेक करो, रेशियो बना लिया 5 और 3 = 8, इसको बोलते हैं फाइनल वैल्यू, इसकी बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू। 8 क्यों आया, क्योंकि एडिशन इंक्रीज बोला है, अगर ये डिक्रीज बोलता तो 5 − 3 2 हो जाता है, तो 3/8 × 100
आंसर कितना आएगा 37.5%। कौन सा है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। X has three children. The birthday of first fall 5 Monday. That of the second fall 5 of Thursday, November. Which shift हमारे पास ये कौन सा दिन पे ये hold करेगा? और दिमाग लगाते हैं। X के तीन बच्चे हैं। The birthday of the first falls on 5th Monday of April. अच्छा, अच्छी बात है, बढ़िया। Fifth को पढ़ रहा है Monday April. ये सीख में आ गया। और दैट ऑफ द सेकेंड फॉल फिफ्थ थर्सडे ऑफ द नवंबर, फिफ्थ थर्सडे ऑफ नवंबर। इससे हमको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कैसे चलना है, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं दिया, क्या बोलते हैं, लीप ईयर नॉन लीप ईयर के बारे में जानकारी नहीं दिया है, ठीक है। और थर्सडे नवंबर, ऑन विच डे द बर्थडे, अच्छा प्योर पड़ेगा भी नहीं, ऑन विच डे द बर्थडे ऑफ दिस थर्ड विच वन फॉल 20th, ये 20 का आपको डे पूछ रहा है कौन सा होगा। अगर 5 को मंडे है तो 5 को थर्सडे से आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ तक कैसे चलेंगे। मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को, अगर कैलेंडर मेरे से पड़ा है तो अप्रैल से नवंबर तक कैसे जाएंगे, पहले देखेंगे 5 को है अप्रैल में 30 दिन होता है, तो 30 माइनस 5 25 दिन हुआ, 25 लेंगे अप्रैल का, 31 लेंगे मई का, अप्रैल के बाद मई आता है, दिन काउंट कर रहा हूँ, ठीक। अब मई जून का 30 होगा, जुलाई का 31 होगा, अगस्त का 31 होगा, अगस्त का 31 होगा, अक्टूबर अगस्त सितंबर का 30 होगा, और सितंबर का 30, अक्टूबर का 31 होगा। अब यहाँ तक की कार्रवाई हम कर लेते हैं। अगर लोग कहते हैं जोड़ो, मैं बिल्कुल नहीं जोड़ूंगा, मैं 7 से भाग दूंगा, ये आएगा 4, 7 या 21 4 बचा, 7 या 21 तो 7 चौके 28 3 बचा, 7 चौके 28 कितना बचा 2, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 3। लोग कहते हैं इसको जोड़ो, मैं कहूँगा ये भी नहीं जोड़ूंगा। सर आप क्या करेंगे, क्या मैं जहाँ जहाँ 7 आएगा उसको उड़ा दूंगा, ट्रिक है, इसके लिए कैलेंडर वाली मेरी क्लास कर लेना। ये 7 कट गया, 2 2 4 3 7 कट गया, क्या बचा 6 बचा, मतलब हम किस मंडे में 6 दिन जुड़ेंगे। तो मंडे में अगर मैं 6 दिन जुड़ता हूँ तो जानते हो क्या होगा, तो सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो हमारे पास 31 तारीख को मंडे में, अब 6 दिन जुड़ते हैं, देख लेते क्या आता है, 6 दिन जुड़ना पड़ेगा, 6 ही बचा हमारे पास, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। मंडे में हमने जोड़ा तो ये आ गया, संडे तक पहुँच गया। अब आप संडे के हिसाब से अगर मान लीजिए 1 तारीख 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 को आप बता रहे हैं थर्सडे है, सॉरी 31 हो जाएगा, 1 को संडे पड़ेगा, सॉरी 1 को संडे होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसका मतलब 1 को हमारे पास संडे पड़ रहा है, 1 नवंबर को संडे पड़ रहा है, क्योंकि 31 तक तुम ले ही चुके तो अगला वाला लेंगे, तो 1 नवंबर को अगर थर्सडे पड़ रहा है इसके हिसाब से हम कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं, और नहीं भी होगा तो हम थर्सडे को लेके भी चलेंगे तो भी हमारा आंसर उतना ही आएगा। यहाँ जो 5 का थर्सडे है ना, हम इसको लेके चलेंगे, इतनी तामझाम की करने की हमको ऐसी भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई बहुत मारामारी नहीं है, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ 5 का थर्सडे ले लो,
फाइव का नवंबर का आपका थर्सडे, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा और बाकी सब भूल जाओ। तो आप नवंबर से दिसंबर तक कितना आएगा, 30 माइनस 5 25 आ गया, 30 हमारे पास नवंबर तक की कार्रवाई। दिसंबर कितने दिन बोला आपने, 20 बोला है, तो 7 से भाग दो कितना आएगा, चौके 7 21, ये 4 और 7 21 या 7 2 14 6 6 4 10, 10 होगा, फिर 7 से भाग देंगे ये आ गया 3। बात किसकी हो रही थी, थर्सडे, थर्सडे में 3 दिन जोड़िए, फ्राइडे सैटरडे और संडे, कौन सा ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप 1 तारीख का भी ले सकते हो, आप वहां से भी चालू कर लो, बात एक ही पड़ेगी, उतना लंबा लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। पैसों की जरूरत होगी तो कहां घूमते फिरेंगे, इसलिए धनीवंत फ्रीडम कार्ड के। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगला क्वेश्चन करेंगे, ये देखिए, सम रैट आर कैट, सम रैट्स आर कैट, सम कैट आर डॉग्स, सम कैट आर डॉग ये भी हो सकता है, सम कैट आर डॉग ये भी हो सकता है, नो डॉग इज काउ, तो नो डॉग इज काउ ये भी हो सकता है, और नो डॉग इज काउ यहाँ पे ऐसे किसी को जोड़ भी सकता हूँ मैं, इसके साथ तो नहीं है तो इसके साथ तो ही सकता है। कंक्लूजन, नो काउ इज ए कैट, नो काउ इज ए कैट हमारे पास, ये बोल नहीं सकता मैं, नो डॉग इज ए रैट, नो डॉग इज ए रैट, कोई डॉग रैट नहीं है, ये भी बोल नहीं सकता, सबको सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सम कैट आर रैट, सम कैट आर रैट, ये होगा सबके लिए, ओनली थर्ड को लगाएंगे, तीसरा वाला है जो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यहाँ का मतलब ये होता है कि सारा कंडीशन जो होगा वो अपने आप में सेटिस्फाइड होगा। अगला क्वेश्चन,
ये भी हो जाएगा। एट्टी परसेंट 12 किलोमीटर, 1 का मान 12 बाई 80 इंटू 100 50। ये वाला करो, दो हजार दो में मीनू, मान लो मीनू को एक्स के लिए, मीरा को हमने वाई ले लिया, इतनी आसानी हो। मी एक्स जो है 1/3 ऑफ वाई, एक्स और वाई का रेशियो क्या आएगा 1:3। 2002 में, 2010 में इनका गैप 1, इनका गैप 2। मीनू का बर्थ एक मतलब हो गया हमारे पास, क्या होता है कि ये हो गया हमारे पास, हाँ रेशियो को मैंने बना दिया, एक का मान किसके बराबर, 8 के बराबर, दो का एक का मान, सॉरी ये एक का मान ही 8 के बराबर आ गया। अब ये सोचना क्या है, मीनू का बर्थ पूछा है, 2002 में उसकी बर्थ अगर 8 साल उसकी उम्र है तो इसकी माइनस करने में कितना आएगा 1992। आंसर है बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, आज यही तक रखते हैं, ठीक है, सेकेंड पार्ट अगले संडे को रहेंगे। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी भी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये हमारे टॉप मेंटर्स है, यूपीएससी सीएससी 3-in-1 ऑफर, नेवर बिफोर, अगर अनअकैडमी नोट्स वर्थ 10,000 चेज योर ड्रीम, लोन फॉर यूपीएससी सब्सक्रिप्शन, 2 month सब्सक्रिप्शन अवेलेबल, कोर्सेस है आइकॉनिक एंड प्लस, आइकॉनिक में हम पर्सनल गाइडेंस देते हैं, टेस्ट एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, एक्सपर्ट गाइडेंस, मींस स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, और इसमें होगा लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर, अनलिमिटेड एसेस, छः महीने का प्लस कोर्स का फीस 36,500 है, कोड लगा के 36,450, कोड SRG ही लगेगा, SRJ कोड लगा के आइकॉनिक में अगर 74,500 कोड है, फीस है एक साल का 6,750 मिलता है, ये है 27,500 कोड लगा के 24,750, और हमारे पास ये है कॉम्पैक्ट है 4 करोड़ तक का, 1 सितंबर फ्री टेस्ट सीरीज, यूपीसी सीएससी ज्वाइन ऑफर, अनअकैडमी नोट्स, चेज योर ड्रीम सब्सक्रिप्शन, 2 month सब्सक्रिप्शन 50,000,
और कोड हमारे पास SRJ लगाना है। फाइनली चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को जरूर बजाइए। ओके, बाय बाय, गुड बाय, बाय, नाइस डे एंड हैप्पी टीचर्स डे ऑल्सो।